मैंने 2011 कहा था, वो दिसंबर 2012 उसको प्रोसीडिंग्स में लिया जाए। ये सारा बात ये करेक्ट करें, ये करेक्ट करेंगे, ये दिस इज अ मैटर ऑफ इंक्वायरी। मेरे मैं किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन ये गलत एलिगेशन मेरे ऊपर मत लगाइए। अध्यक्ष जी, मैंने कहा जो फैक्ट्स हैं, अध्यक्ष जी स्पीकर को कम बोलना चाहिए। मैं बोल नहीं, मैं जो कह रहा हूँ लेट हाउस स्पीकर विश्वास के नहीं नहीं, वो तो हम आप स्पीकर विश्वास से हो, यू आर नॉट अ पार्टी मैन, यू आर टू सेव द डिग्निटी ऑफ द। मैं आप उनको एक बार खड़ा तो करके पूछ लें इसलिए कि उन्होंने झूठ क्यों बोला। मैं इस्तेमाल बैठ जाइए, बैठ जाइए, एक मिनट सुन लीजिए, बैठ जाइए। आप श्री बिशन लाल सैनी जी, हाँ जी, उस लोने को क्या इमोशनल नहीं कहे श्री बिशन लाल सैनी जी, ये बैठ जाइए। दिस इज नॉट टू बी रिकॉर्डेड एट एनी, ये रिकॉर्ड नहीं करना है, दिस इज नॉट टू बी रिकॉर्डेड। श्री बिशन लाल सैनी जी, बिशन लाल सैनी जी, एक मिनट। आज जिन माननीय सदस्यों का शून्यकाल के अंदर बोलने का अवसर मिलेगा, श्री बिशनलाल सैनी जी विधायक, श्री लीला राम जी विधायक, श्री इंदुराज नरवाल विधायक, श्री सुभाष गांगुली विधायक, श्रीमती निर्मल रानी विधायक, श्री नयनपाल रावत जी विधायक, श्री बलबीर सिंह जी विधायक, श्री मामन खान जी विधायक, श्री विनोद भ्याणा जी विधायक, श्री सीताराम जी विधायक, श्री नरेंद्र गुप्ता जी विधायक, श्रीमती सीमा त्रिखा जी विधायक, श्री भारत भूषण बत्रा विधायक, श्री दीपक मंगला जी विधायक और श्री धर्मपाल गोंदर जी विधायक। सभी माननीय सदस्य अपनी अपनी बात चार मिनट के अंदर रखने का प्रयास करेंगे। श्री बिशनलाल सैनी जी, स्पीकर सर, हाँ बोलिए। अध्यक्ष महोदय, 15 तारीख को 0R में आपकी अनुमति से एक मामला हमने रेज करने का, बहुत सारे इश्यूज रेज किए, उसमें हमने जो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ द गर्ल्स का मुद्दा भी हमने उठाने का काम किया, NCRB के आंकड़े। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है, सदन के नेता यहाँ पर उपस्थित हैं, मैंने जो स्टेटमेंट दी, मैं बिल्कुल दावे के साथ कह रही हूँ, मैंने बिल्कुल सही स्टेटमेंट दी, लेकिन उस दौरान क्योंकि माननीय हमारे प्रदेश के डिप्टी CM महोदय ने खड़े होकर कुछ एलिगेशंस लगाने का प्रयास किया, मैंने उस समय भी उसको खंडन करने का प्रयास किया। आज मैं अध्यक्ष महोदय रिटर्न स्टेटमेंट आपको दे रही हूँ। मामला हमने यहाँ हाउस के अंदर डिसाइड कर दिया है, दिस विल बी इंक्वायर्ड बाय द सिटिंग जज। इसलिए इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं, इट शुड बी इंक्वायर्ड बाय सर, इट शुड बी, इसके ऊपर अभी कोई चर्चा नहीं। सदन की कोई गरिमा रखो, हाईकोर्ट का जज क्या करेगा, हाउस की प्रोसीडिंग है नहीं, क्या सुना आपने कि हाउस की प्रोसीडिंग का हाईकोर्ट का जज करेगा? नहीं, ये आप हाउस ने तय किया, मैंने तय नहीं किया, ये मैंने तय नहीं किया। सवाल ये हाउस ने तय किया, अध्यक्ष महोदय, और हमने, अध्यक्ष महोदय, हाउस ने तय किया था और आपने जो हाउस ने तय किया, मेरी बात सुनो, हाँ जी, प्रोसेस भी आपने तय किया है, प्रोसेस टू सबमिट नोटिस प्रोसीजर मैटर्स ऑफ अर्जेंट 0R के, उसमें ये लिखा है कि कोई भी झूठा पर्सनल एलिगेशन नहीं लगाएगा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ऊपर पर्सनल एलिगेशन, इंक्वायरी में पता लगेगा ना कि पर्सनल है कि नहीं, झूठा है क्या है, विड्रॉ करें कैसे पता लगेगा, आपने विड्रॉ करें, नहीं नहीं, ऐसे जब तक इंक्वायरी नहीं हो जाती तब तक कोई वो नहीं। आपने विड्रॉ करें, फैक्ट मैं उस दिन का करेक्ट करना चाहूंगा, मैंने 2011 कहा था, वो दिसंबर 2012 उसको प्रोसीडिंग्स में लिया जाए। ये सारा बात ये करेक्ट करें, ये करेक्ट करेंगे, ये दिस इज अ मैटर ऑफ इंक्वायरी। श्री बिशनलाल सैनी जी, अध्यक्ष महोदय, नहीं देखिए, जो हाउस के अंदर की गरिमा, हाउस की गरिमा तो आए नहीं, ये निर्णय हाउस का है, ये निर्णय हाउस का है कि इसकी इंक्वायरी कराई जाए, मैंने हाउस का निर्णय मानते हुए इंक्वायरी कराओगे आप? ये तो देखिए, देखिए जो एलिगेशन, इंक्वायरी किस चीज की, जो आपने एक दूसरे, अध्यक्ष महोदय, टर्म्स ऑफ रेफरेंस बताओ मेरे को, है जी, टर्म्स ऑफ रेफरेंस ये है कि जो एलिगेशन माननीय या जो बात माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कही वो सच है कि गलत, ठीक है, हाँ जी, करो, बस यही है, करो, लेकिन हाँ जी, अगर ये बात सुनो, ये कह रहे हैं गीता जी ने कहा है कि भाई गलत है, इनके घर कोई मीटिंग नहीं हुई, इन्होंने कहा है इसके दिस विल बी इंक्वायर्ड कि अगर गलत होगा तो गलत, जो अगर जिसको जो गलत होगा वो इंक्वायरी के अंदर आ जाएगा। अध्यक्ष महोदय, जो भी अगर कोई गलत होगा, चाहे वो उप मुख्यमंत्री जी गलत है, चाहे गीता जी गलत है, इंक्वायरी के बाद पता चल जाएगा।
चार तो ज्यादा नहीं होता है, दो चार ही होंगे ना, सच्चा आगे ना। इन्होंने पता लग जाएगा कि दो चार मेरी बात सुनोगा, इतनी बेचैनी से जो नहीं बेचैनी नहीं, मैं मेरा तो ये है कि आप लोगों ने आप किसी की बात सुन के नहीं, आपने हाउस ने डिसाइड किया, जो विषय हाउस डिसाइड कर दोबारा उसके ऊपर नहीं नहीं अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष महोदय नहीं आई एम लिसनिंग एवरीथिंग अध्यक्ष महोदय मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, लीडर ऑफ इंटरव्यू कर रहा हूँ अध्यक्ष महोदय नहीं, करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सारी स्थिति में देखिए नेता कभी भी किसी समय में इसमें इंटरव्यू कर सकते हैं, मैं स्पष्ट कर रहा हूँ सदन के नेता किसी भी टाइम इंटरव्यू कर सकते हैं, ही हैव गॉट एवरी राइट अध्यक्ष महोदय। सुन तो रहो ना, आप क्या कर रहे हैं, कल के जो कल के विषय में आपको दोबारा टाइम कर रहा हूँ, मैं दोबारा टाइम दूंगा, मैं उनके बोलने के बाद दोबारा टाइम दूंगा, उसको क्लैरिफाई करिए। नहीं नहीं देखिए लीडर ऑफ द हाउस का हमें सम्मान करना होगा, लीडर ऑफ द हाउस का हमें सम्मान करना होगा। एक विषय पर कल इतनी चर्चा हुई और चर्चा होने के बाद जो चर्चा करने वाले लोग थे नहीं लीडर ऑफ द हाउस ने ही उन्होंने ही डिमांड की थी कि इसकी इंक्वायरी कराई जाए और कोई समिति बनाई जाए, इंक्वायरी कराई जाए, बल्कि बाद में यह आया कि किसी सिटिंग जज से कराई जाए। हमने तो सदन की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए एक चीज का जब निर्णय हो कि आपके द्वारा ये सिटिंग जज ऑफ हाई कोर्ट उनकी एक कमेटी बन करके इसकी इंक्वायरी करें, आज होम डिपार्टमेंट चीफ जस्टिस ऑफ हरियाणा पंजाब एंड हाई कोर्ट हरियाणा पंजाब उनको लिखने वाले हैं कि एक सिटिंग जज की आप नियुक्ति करें और उसमें टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो कल चर्चा हुई है उस सारी चर्चा में जो बिंदु आए थे सारे टर्म्स ऑफ रेफरेंस में लिखे जाएंगे, उसके अलावा भी उस विषय से संबंधित कोई विषय बाकी रहता हो तो हमारे नेता प्रतिपक्ष लिख करके दे दें कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस में ये भी जोड़ा जाए, खास करके उस विषय के ऊपर हम खुले मन से इस सारी की जानकारी यानी सारे के जो इंक्वायरी वो एक सिटिंग जज से करने के लिए तैयार हैं, हमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस प्रकार का आरोप प्रत्यारोप कर लगाया गया है सदन की मर्यादाओं के अनुरूप अगर हम आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे कुछ निकलेगा नहीं, और अगर एक इंक्वायरी तथ्य रूप में सामने आएगी तो जो इंक्वायरी होगी उसके हिसाब से जिसके खिलाफ जो कार्रवाई करनी होगी करेंगे। हाँ जी अब हाँ बोलिए, हाउस में आरोप लगे फॉल्स एलिगेशन लगे अगेंस्ट वो है आपकी जो है जीरो आवर में कोई नहीं लगा सकता, ये आपकी नहीं, ये जीरो आवर का मामला नहीं है, जीरो आवर का मामला है, नहीं 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 जीरो आवर ये जो निर्णय हुआ देखिए ये निर्णय हुआ जीरो आवर के बाद में हुआ था, ये निर्णय जीरो आवर के बाद में हुआ था, जीरो आवर में नहीं था निर्णय की बात, ये निर्णय नहीं है, एलिगेशन काउंटर एलिगेशन जीरो आवर के बाद में लगे, आप सुन लेंगे जीरो आवर का मामला नहीं, आप सुन लेंगे चार नहीं पहले जवाब दे लेंगे चार, जीरो आवर का मामला था ही नहीं तो गलत क्यों हो, हाँ जी मेरी सुन लो आप बोलिए तो आप कह देना पहले क्यों काट रहे हो बात क्यों, नहीं बताइए आप बोलते नहीं गलत है, थोड़ी पेशेंस, जैसा है कि अगर कोई गलत चीज आप कहेंगे तो मुझे इंटरप्ट करना पड़ेगा, हाँ जी, आप ये जीरो आवर का मामला नहीं था, ये जो निर्णय हुआ ये बाद में हुआ, अध्यक्ष महोदय आपका काम है सबको प्रोटेक्शन देना, बिल्कुल सबको राइट देना, आप सरकार की प्रोटेक्शन में, नहीं नहीं मैं बिल्कुल सरकार की प्रोटेक्शन नहीं हूँ, फैक्ट्स को राइट कर, जो फैक्ट्स हैं उनको मैं राइट कर रहा हूँ जी, बोलने दो मेरे, हाँ जी बोलिए, जीरो आवर का मामला था, नहीं जीरो आवर का नहीं था, ये जो डिसीजन हुआ जीरो आवर के बाद जो बाद में आप बोल रहे हो, आप बाद में बता देना क्या था, ठीक आप मेरी सुनो, नहीं सुनता तो मैं बैठ जाता हूँ, नहीं मैं गलत फैक्ट्स क्यों रख रहे हो, गलत फैक्ट तो रखे नहीं, तो सही फैक्ट रखे, जो हाउस के अंदर निर्णय हुआ है वो जीरो आवर में नहीं हुआ, अध्यक्ष महोदय ये पता करे जीरो आवर का मामला है, ये जीरो आवर में इन्होंने उठाया, जीरो आवर में जीरो आवर के बजाय ये 3:05 पर पोस्ट ये विषय हुआ था, हुड्डा साहब बाद में ही विषय हुआ, एक मिनट जीरो आवर में नहीं हुआ, मुख्यमंत्री हुड्डा साहब जीरो आवर में, एक मिनट हुड्डा साहब सुनिए ये जीरो आवर जो लंच से पहले था, ये जो डिसीजन हुआ 3:05 पे हुआ, ये कार्रवाई की रिकॉर्ड है, ये कौन कॉर्ड रिकॉर्ड है, ये तो इसके अंदर तो ये तो उन्होंने क्या कहा जीरो आवर में, सवाल इस बात का है अध्यक्ष महोदय, सवाल इस बात का है जो एलिगेशन इनके ऊपर लगाए फॉल्स एलिगेशन,
वो जीरो ओवर में लगाया कि नहीं लगाया, वो उन्होंने इस विषय को उठाया, इनकी छोड़ दो, नहीं नहीं अध्यक्ष महोदय उनकी स्पीच निकलवा जीरो ओवर, उन्होंने जीरो ओवर का प्रोसीडिंग निकलवा, इन्होंने इस विषय को जो उठाया जीरो ओवर के बाद में उठाया, नहीं नहीं आप अपने आप हवाई रिकॉर्ड है, आप मेरे सुन रिकॉर्ड है, मैं रिकॉर्डिंग मांग रहा हूँ, रिकॉर्ड गो बाय रिकॉर्ड, हाँ जी जीरो ओवर की सारी प्रोसीडिंग निकलवाओ, ठीक है, और मैं इन्होंने फॉल्स एलिगेशन लगाया, नहीं नहीं आया ना, देखिए जो विषय आया ना, ठीक है मैं तो आपको पूरा रिकॉर्डिंग सुनने के लिए तैयार नहीं है, सुनते सवाल आप सवाल नोट कर लो तो आप देते ना, ठीक ठीक सवाल इस बात का है जीरो आवर में जो इन्होंने फॉल्स एलिगेशन लगाए जीरो आवर में लगाए या नहीं लगाए, नंबर एक, ठीक नंबर दो इन्होंने एक एलिगेशन लगाया कि 2005 में भी ऐसा ही हुआ और मेरे पास रिकॉर्ड है 2005 जो सरकारी नौकरी में था ही नहीं ये आदमी जिसका नाम दे रहे हैं वो तो 2008 में आया, 2000 ये रिकॉर्ड है तो 2005 में सरकारी नौकर में नहीं और वो एलिगेशन लगा रहे 2005 में ये इंसिडेंस हुआ तो क्या मतलब हुआ तो कौन जिम्मेवार है, मेरा ये है गरिमाएं रखो आप इंक्वायरी कराओ उस आदमी की शुरू से क्या किया, लेकिन जो हाउस की प्रोसीडिंग है उसका हाउस की गरिमा ये है कि आप अपनी लफ्ज वापिस लें या डिलीट करो इनको दोनों पर्सनल एजुकेशन, देखिए जब एक इंक्वायरी मार्क हो गई एक इंक्वायरी हाउस ने तय कर दिया, हाउस ने कहा नहीं हाउस का रेजोल्यूशन है तो सदन की गरिमा उस पर रख दो, नहीं नहीं ये भी ये सदन ने तय किया है, आप मैंने नहीं तय किया, आपने कंप्रोमाइज किया सदन की गरिमा हाउस ने, ये मैं समझता हूँ जो निर्णय किया है हुड्डा साहब जो निर्णय किया वो हाउस ने किया मैंने नहीं किया, जो निर्णय किया हाउस ने किया मैंने नहीं किया, लोकसभा में ऐसा कई बार मामला होता है कभी कोई हाई कोर्ट का जज नहीं, नहीं आप क्या चाहते हैं कि इंक्वायरी ना हो, नहीं इंक्वायरी हो तो बस फिर और टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या हो, टर्म्स ऑफ रेफरेंस, टर्म्स ऑफ रेफरेंस तो यही है जो आपस के अंदर इन्होंने एलिगेशन लगे हैं एक दूसरे के ऊपर, टर्म्स ऑफ रेफरेंस होने चाहिए उस आदमी की जिसके खिलाफ है ना उसकी शुरू से क्या है वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस हो, नहीं हमने तो हमारी बात हमने उसकी इंक्वायरी नहीं करनी, हमने तो इंक्वायरी करनी है कि जो एलिगेशन काउंटर एलिगेशन लगे हैं उसकी इंक्वायरी करनी है, अच्छा एक बात चीज में मैंने नेता प्रतिपक्ष को बोलना चाहूंगा, एक और हाईकोर्ट के जज जो उन्होंने बात कही कि 2005 एक और नौकरी मैंने ये कहा था कि जो तय करेगा मैं नहीं तय करूंगा, जहां था ये तय किया मैंने नहीं क्या तय किया हाउस ने तय किया, अगर जो हाउस तय करेगा मैं करवाऊंगा, आज मैं भी उस फैक्ट पे खड़ा हूँ 2005 में जिस प्राइवेट स्कूल में वो था उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए, 8 में आपने प्रिंसिपल भर्ती किया सरकारी नौकरी में था और 8 के बाद ये 2012 में दोबारा हुआ और डीडीआर तथ्य वही है वैसे ही है और सत्य है, देखिए ये सरपंच लगता नहीं है कि जब इंक्वायरी हमने सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम हाईकोर्ट जज से मांग ली है लेट सारे तथ्य आएंगे, पर्सनल एलिगेशन ये लगाया इंक्वायरी से क्यों डर रहे हो, कोई नहीं इंक्वायरी कैरी करेगी, पर्सनल एलिगेशन ये लगा है नेताजी के घर पे बैठ के कंप्रोमाइज हुआ, ये इंक्वायरी में आ जाएगा ना, इंक्वायरी में आ जाए तो इस बात का ये लिख के देती है, नहीं नहीं लिख के देने का लिए इंक्वायरी में देखिए जो हाउस में लिख के दो, जो भी घर पे हुई मीटिंग जो भी जज साहब इंक्वायरी करेंगे उनको लिखित में दे देना, अदरवाइज विड्रॉ इट दैट इज द ग्रेस ऑफ द हाउस, फॉल्स एलिगेशन वी विल नॉट टॉलरेट दिस थिंग, अदरवाइज मिस्टर हुड्डा को मैं बताना चाहूंगा आई स्टिल स्टैंड विद माय पॉइंट 2005 में भी सिमिलर नहीं लगता हुआ और 11 की बजाय 12 में आई स्टिल स्टैंड विद द सेम साहब, मुझे नहीं लगता कि वंस द हाउस हैज डिसाइडेड कि इसको इंक्वायरी करा लीजिए हाईकोर्ट के सिटिंग जज से वे सारा कुछ एक एक चीज क्लियर हो जाएगी, उसमें क्या दिक्कत है किस मामले में इसके मामले में नहीं नहीं मामले में करेंगे, हाँ जी मूविंग प्रिविलेज मोशन हाँ यू कैन रिसीव राइट यू कैन मूव इस मामले में नहीं नहीं यू कैन मैन एंड द हाउस विल डिसाइड बिकॉज वी आर फोर्स टू डू इट, यस यू जो आपका राइट है ड्रॉ कर ले तो खत्म हो जाए, जो भी आपका राइट है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं नेता प्रतिपक्ष से पूछना चाहता हूँ विड्रॉ किस चीज का, मैं साथ भी खड़ा आपके राज में हुआ आपने उसको बचाया आपकी चर्चा करें, नहीं नहीं देखिए मेरा ये कहना है कि
मेरा ये कहना है कि हाउस ने जो चीज डिसाइड की है, अगर आपको लगता है कि ये जो इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए या आप इसमें सहमत नहीं, इंक्वायरी होनी चाहिए तो बस फिर होने दो फिर क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस की बात करो। अरे टर्म्स ऑफ रेफरेंस, टर्म्स ऑफ रेफरेंस आप लिख करके दे दीजिए मुझे कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस ये होनी चाहिए, मैं उस पर विचार कर लेता हूं। एक ही बात होनी चाहिए, टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है ना उस आदमी के खिलाफ होनी चाहिए। नहीं देखिए उसके खिलाफ इंक्वायरी का कोई इसमें यहाँ रेफरेंस का कोई मतलब नहीं है, उसके अगेंस्ट ना कोई यहाँ पर बात आई है उस आदमी के है जो यहाँ हमने इंक्वायरी मार्क की है। फिर भी राइट है वो आपका राइट, बात का प्रिविलेज आपका राइट है, राइट है ले आइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और हाउस विल डिसाइड के टर्म्स ऑफ रेफरेंस द फेट ऑफ द हनी नहीं, वो तो जो कल हो चुका है। नहीं आपने यहाँ तय किया, यहाँ बिल्कुल तय तय हुए। मैंने साली पूछा, हाँ जी अध्यक्ष मोदी, हाँ जी सारी प्रोसीडिंग पढ़ ली। टर्म्स ऑफ रेफरेंस तो ये एलिगेशन काउंटर एलिगेशन वेदर दे आर राइट और रॉन्ग दिस इज टू बी डिसाइडेड बाय द सिटिंग जज। लेट इंक्वायरी के अंदर आ जाएगा, जो उनके पास फैक्ट्स हैं वो रख देंगे, जो उनके पास फैक्ट्स हैं वो रख देंगे। असेंबली प्रोसीडिंग हाई कोर्ट की नोबडी टू डू। आपको पता है सोमनाथ चटर्जी वाज स्पीकर और सुप्रीम कोर्ट ने समन किया था एमपीओ को। सर बत्रा जी, ये डिसीजन हाउस का है, ये मेरा नहीं है। अगर हाउस का अगर ठीक है बिल्कुल, जो डिसीजन हुआ सिटिंग जज से इंक्वायरी का वो हाउस ने किया, हाउस ने किया। अगर हाउस को ये लगता है, मुझे जो हाउस आदेश देगा मैं उसका पालन करूंगा। मैं कहता हूँ करवाओ, हाँ जी, लेकिन उस आदमी ने कराओ, हाँ जी इसकी जो भी प्रिंसिपल है जो उसके खिलाफ करवाओ। नहीं प्रिंसिपल का तो यहाँ मैटर कोई है ही नहीं, प्रिंसिपल वाला मैटर तो यहाँ है ही नहीं, करवाओ। नेता प्रतिपक्ष की बात से और सहमत हो आप 2005 से लेकर और 2023 तक का प्रिंसिपल का भी इसके साथ करवा लीजिए। प्रिंसिपल का होना चाहिए, आप करवा लीजिए, उसी का होना चाहिए। और ये भी चेक करवाइए कि क्या उस समय की शिक्षा मंत्री पंचायत से दिस कैन बी एडेड इन द रेफरेंस की शिक्षा मंत्री आपका ये सुझाव है एक कमेटी ये रेफरेंस भी उसमें मैं डिप्टी डायरेक्टर ने जाकर इंक्वायरी करी और वो इंक्वायरी खत्म हुई। ये सारी चीजों का फैक्ट चेक करा लीजिए अध्यक्ष मोदी, मैं आज खड़ा हूँ मेरी बात पे। मैंने तो हाउस के डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी है। व्हेन द टेक्स एनी डिसीजन आई हैव टू रिस्पेक्ट दैट। टर्म्स ऑफ रेफरेंस बताओ, हाँ जी टर्म्स ऑफ रेफरेंस बताया तो है ना, टर्म्स ऑफ रेफरेंस बताया है हाउस ने पास कर दिया तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी करिए। टर्म्स ऑफ रेफरेंस तो यही है एलिगेशन एंड काउंटर एलिगेशन वेदर दे आर राइट और रॉन्ग दिस इज द टर्म ऑफ रेफरेंस के जो एलिगेशन या काउंटर एलिगेशन दोनों तरफ से लगे हैं वो ठीक है या गलत है दिस इज टू बी डिसाइडेड। मतलब हाउस की प्रोसीडिंग की नहीं हाउस की प्रोसीडिंग नहीं एलिगेशन की हाउस की प्रोसीडिंग नहीं हाउस ने निर्णय किया हाउस के प्रोसीडिंग हाउस ने किया ना ऐसा मत करो नहीं हाउस की प्रोसीडिंग आप हाउस आज कहे तो उसको नहीं करना तो मैं दोबारा कर दूंगा। आज अगर हाउस देखिए आई हैव टू रिस्पेक्ट द डिसीजन ऑफ द हाउस। अगर हाउस डिसाइड करता है यस यू कैन से एनीथिंग। टर्म्स ऑफ रेफरेंस मैंने बताया ना आपको, जो एलिगेशन एंड काउंटर एलिगेशन लगे हैं ये दिस वाज डिसाइडेड इन द हाउस कि दिस शुड बी इंक्वायर्ड बाय द सिटिंग जज ऑफ द हाई कोर्ट। स्पीकर सर एक मिनट मैं कुछ कह लूं, होनी चाहिए उसके बारे में तो इंक्वायरी करके वो तो जो सरकार का मामला है वो सरकार इंक्वायरी करेगी जो उसने किया गलत किया ठीक किया और उसको सजा मिलनी चाहिए। मेरा तो रेफरेंस नहीं ये हाउस ने डिसाइड किया, मैं तो इसमें हक नहीं था। आई वाज नॉट इन द फेवर ऑफ पब्लिक बट व्हेन हाउस हैज डिसाइडेड आई हैव टू फॉलो प्रोटेक्टेड। एक मिनट मुझे इजाजत देंगे आप
नॉट ओनली एक मिनट मेंबर बट हाउस का भी आप आई हैव टू रिस्पेक्ट द डिसीजन ऑफ द हाउस आई हैव टू रिस्पेक्ट द डिसीजन ऑफ द हाउस अगर मैं हाउस के डिसीजन को रिस्पेक्ट नहीं करता देन आई एम ये तो प्रस्ताव लाते हैं अरे गंगा साहब अगर गरीबा साहब है तो से नो नहीं अगर वो हाउस डिसाइड करेगा कि गर्मा के खिलाफ है या नहीं है आप कुछ नहीं करोगे लेट हाउस स्पीकर की स्वास्थ्य नहीं नहीं वो तो हम आप स्पीकर की स्वास्थ्य हो यू आर नॉट अ पार्टी मैन यू आर टू सेव द डिग्निटी ऑफ द बट आई हैव टू फॉलो द डिसीजन ऑफ द हाउस ऑफ द हाउस एंड मेंबर एंड हाउस व्हाट एवर द हाउस टेक द डिसीजन आई हैव टू फॉलो दैट आई एम कंपेल्ड टू फॉलो दैट यू हैव गॉट एम्पल पावर नहीं नहीं आई कांट मैं कोई डिक्टेटर नहीं कि जो हाउस का डिसीजन है उसको वो कर दूं मैं कहूंगा ये गलत डिसीजन है इसलिए कॉम्प्रोमाइज होगी वहां पे यू हैव टू टेक स्टैंड नहीं मुझे लगता है कि जो हाउस ने डिसीजन किया है वो सही है उसमें इंक्वायरी होने में कोई दिक्कत नहीं है डिग्निटी किसी हाउस की डिग्निटी रहनी चाहिए अगर हाउस ये डिसाइड करता है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ अध्यक्ष महोदय आप हाईकोर्ट का जज छोड़ो आप हाईकोर्ट आप खुद कर लो हमारी वी आर फॉर यू फॉर दिस मैटर आप किसी की स्पीकर साहब एक मिनट हमें इजाजत नहीं अगर दिस डिसीजन हैज बीन टेकन बाय द हाउस इफ हाउस डिसाइड्स कि दिस डिसीजन शुड बी वैक्ड आउट अगर उसके एक मिनट हमें कह लो क्या भाई साहब क्या एक मिनट कोई नहीं तमाशा नेताजी मुख्यमंत्री जी ये ऐसा तमाशा मत करो हाँ आप किसी स्पीकर साहब से कराओ मैं कहता हूँ आप कर लो खुद अध्यक्ष महोदय जब सदन में कोई विषय जब चल रहा होता है जब सदन में कोई विषय चल रहा होता है उसमें पक्ष प्रतिपक्ष कोई भी सदस्य अपनी बात को रखता है रखने में किसी भी सीमा तक जाकर के एक मर्यादा को नहीं भूलना चाहिए बात तो ठीक है लेकिन कल थोड़ा सा तीखी नोकझोंक हुई है उस तीखी नोकझोंक को वहीं पर रोकने के लिए जो माननीय सदस्यों का सुझाव आया था कि इसके ऊपर कोई एक इंक्वायरी करा ली जाए और इस इंक्वायरी में सदस्यों में से ही विषय आया था कि किसी जज से इंक्वायरी कराई जाए सिटिंग जज से कराई जाए ये बात ठीक है कि आज तक हमने किसी सिटिंग जज से कभी भी इंक्वायरी नहीं मेरा क्या कहना है कि सुनिए अब चूंकि कल सदन के हाउस की ये गरिमा बना के रखनी जरूरी है कि सिटिंग जज से कराना क्योंकि वो एक निर्णय आप दे चुके हैं कि सिटिंग जज से इंक्वायरी कराई जाए और उस समय किसी का एतराज नहीं था उस समय हमारे प्रतिपक्ष के भी सभी सदस्य बैठे थे अगर उस निर्णय पर आप नहीं थे लेकिन सारे सदस्य बैठे थे तो सब मान्य सदस्यों आप नहीं थे तो आपकी जगह कोई उपनेता रहे होंगे कौन रहेंगे अगर उस समय कोई आपत्ति करते तो शायद कोई विचार किया जा सकता था कि आज तक ये नहीं हुआ आज ऐसा क्यों कर रहे हैं उस समय सबने स्वीकार किया सुनिए अब नहीं सबने स्वीकार किया और सबने स्वीकार किया इसके बाद हमने होम डिपार्टमेंट को ये कहा कि आप जल्दी से चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट को पत्र लिखिए क्योंकि अब हम नाम भी तय नहीं कर सकते नाम भी हमको हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस महोदय से नाम लेना पड़ेगा अगर कहीं मैं अगली बात कर रहा हूं अगर कहीं चीफ जस्टिस महोदय इसको डिक्लाइन कर देते हैं हम उसके ऊपर बाद में विचार कर सकते हैं एक बार तो हमें वो प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए कि हम माननीय चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट पत्र लिखें और पत्र लिखने के बाद नहीं लेकिन आखिर तो हर समय इन कार्यों में पहले भी कहते रहे हैं ये तो आज पहली बार ये विषय आया है कि सिटिंग जैसे नहीं करानी चाहिए वरना तो विपक्ष की तरफ से कई बार ये विषय आया कि सिटिंग जैसे कराएं आज जब उसमें कहीं कोई उंगली यानी कहीं जा रही है और कहीं इशारा किया जा रहा है कि कोई ना कोई फंस सकता है उसमें से आप इतना उतावले हो गए कि इंक्वायरी बंद करें इंक्वायरी ना कराएं या इंक्वायरी किसी और से कराएं इंक्वायरी ये करें इंक्वायरी वो करें जब एक बार इंक्वायरी का फैसला हो गया तो मेरा निवेदन है आपसे कि इस पर हमें आगे बढ़ना चाहिए केवल एक ही विषय में हम रिव्यू करें कि हमारे पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस उसको डिक्लाइन करें तो हम उस पर विचार करें अन्यथा जो निर्णय हो गया वो निर्णय है उसके बाद आगे जो कुछ करना करें नहीं 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 अध्यक्ष एक मिनट अध्यक्ष महोदय वो तो उस इंक्वायरी में अध्यक्ष महोदय अभी नेता सदन ने कहा कि विपक्ष के द्वारा मांग आती रही है हाईकोर्ट के जो आती रही अब भी आएगी किसकी आई है जो वहां हुआ है
जो हेडमास्टर प्रिंसिपल ने किया है, जो शराब में घोटाला हुआ है, उसकी हाईकोर्ट की है। कभी भी अगर ऑन रिकॉर्ड दिखा दो, अगर अगर ऑन रिकॉर्ड दिखा दो विधानसभा की प्रोसीडिंग में कभी देरी करते हाईकोर्ट में, तो आपकी तरफ से हुड्डा साहब हो सकता है कि आपकी तरफ से ना आई हो। ये कल मांग आपके सदस्यों के द्वारा थी, कल आपके सदस्यों के द्वारा ये मांग थी कि इस सिटिंग जज से जांच कराई जाए। हमने कहा सिटिंग जज से करा लो, बहुत सारे ऑप्शन थे, बहुत सारे ऑप्शन भी डिस्कस हुए, कभी नहीं कहा हमने यहाँ की आपस की प्रोसीडिंग क्या, कभी नहीं कहा किसी की जांच कराई जाए। और हाउस की गरिमा का कॉम्प्रोमाइज कैसे कर सकता हूँ मैं चार बार एमपी रहा हूँ, पांच बार एमएलए रहा हूँ, देखिए डिसीजन ऑफ द हाउस। आप फिर डिफेंड कर रहे हो आप उनको? नहीं, मैं डिफेंड नहीं कर रहा, मैं तो हाउस के निर्णय को डिफेंड कर रहा हूँ। मैं हाउस के निर्णय को डिफेंड कर रहा हूँ, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा। जो हाउस का निर्णय हुआ है वो सिटिंग जज से इंक्वायरी को लेकर के हुआ, मैं उसको डिफेंड कर रहा हूँ। दिस इज माई, आपके माध्यम से उनसे बात कर रहा हूँ। हाँ करिए, अगर आपको कोई लगता है तो करने का। कहा कि विपक्षी आमतौर पर मांग आई है कि हाईकोर्ट से इंक्वायरी कर, मतलब एक इंसिडेंस बता दो जो हाउस की प्रोसीडिंग का मैंने कहा हो कि हाईकोर्ट के जज के द्वारा। ये हुड्डा साहब हो सकता है कि आपने नहीं कहा, लेकिन ये जो डिसीजन हुआ, देखिए एक बार हुड्डा साहब सुन लीजिए, मैं लेट हिम क्लैरिफाई। आप क्या जवाब दे रहे हो? नहीं, मैंने जवाब दे रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। हाँ जी, मैं आपके माध्यम से नेता सदन से पूछा, जवाब आप दे रहे हो? नहीं, मैं जवाब नहीं दे रहा, हर बात के दे रहे हो जवाब। सदन के नेता से मेरा अनुरोध है, पेपर तो चाहे सब। एक एक मिनट जरा, बोल रहे हैं वो आपके नेता बोल रहे हैं, आप क्या वो बोल रहे हैं? महोदय, हाँ जी, देखिए मेरा अपना व्यू ये है कि आप ये इंक्वायरी सर्वदलीय बैठक अपनी आपस की करके कर लो, ये अपनी चोटी जजेस के हाथ में देना कोई शोभा की बात नहीं है। ये मेरे ये कल ये जब हाउस ने डिसीजन किया ना, मैं नहीं था उस फैसले में, मैं नहीं था फैसले। इससे अच्छा तो आप एक सर्वदलीय बैठक वो कमेटी बना दो, उसका फैसला ले लो, कोई बात नहीं। लेकिन ये जजेस के हाथ में अपनी चोटी देना, ये मैं अच्छी बात नहीं समझता। ये बहुत अपनी हाउस की गरिमा के खिलाफ होगी ये बात। जजेस हमारी इंक्वायरी करेंगे, इसकी इंक्वायरी करेंगे, उसकी इंक्वायरी करेंगे, ये तो इट विल बी इंसल्ट ऑफ दी हाउस इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आप कहे हाउस ने क्या वोटिंग हुई थी हाउस की? नहीं, हाउस ने यूनैनिमसली डिसाइड किया, एक ने भी किसी ने भी अपोज नहीं किया, एक ने भी अपोज नहीं किया किसी ने। आप प्रोसीडिंग निकाल के देख लो भाई, कोई नहीं वोटिंग। एक मिनट हुड्डा साहब, कल की प्रोसीडिंग निकलवा करके देख लो आप, एक बार सुन लो मेरी, कल की प्रोसीडिंग निकलवा करके देख लो, किसी एक विधायक ने इसको अपोज किया हो तो आप उसके अंदर देख लो, किसी एक विधायक ने भी। आप लोगों ने कहा कि इसकी सिटिंग जज से इंक्वायरी कराई जाए, मैं प्रोसीडिंग में साथ में भी निकलवा लेता हूँ। एक मिनट, दो मिनट सिर्फ, दो मिनट बोल रहे थे, सिर्फ दो मिनट बोल रहे दो, एक मिनट की तक। ऐसे है जी कि मामला आया बिल्कुल इस सदन में, आपने ये कहा कि शिक्षा विभाग को कर दो, मैंने तो ऑप्शन दिए, ऑप्शन आप नो हो गई, उसके बाद हो गया पुलिस को कर दो, नो हो गई। फिर मैंने आपके सामने प्रस्ताव रखा कि वन साहब आप ही इस कमेटी का फैसला कर दो, साथ में वॉइसेज आई, आखिर में आदरणीय मुख्यमंत्री ने सजेशन दिया कि हाईकोर्ट के जज, आपने इमीडिएटली हाईकोर्ट जज के लिए नहीं कह नहीं सकते। और आज भी हम विश्वास करते हैं ये सिंगल मैन कमेटी अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है विधानसभा का मामला विधानसभा में ही रहना चाहिए। आप कह रहे हो एक ने भी अपोज नहीं किया, वो कह रहे हैं विधानसभा का मामला, भारत प्रोसीडिंग। अब इसको ही डिसीजन को जो एक मिनट सिटिंग जज, वोट करवाना चाहिए था फिर? नहीं, जब कोई अपोज करेगा तो मैं वोट कराऊंगा, जब सारे कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। अपोज किया किसी, कहां लिखा अपोज किया बताओ किसी इस प्रोसीडिंग? मेरे पास है ना अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है विधानसभा का मामला विधानसभा में ही। ये सुझाव दिया उन्होंने, उसके बाद कितने सुझाव आए? आपने एक बात आगे भी पढ़िए ना, उसको आगे पढ़िए, आगे पढ़िए उसको, और कितने सुझाव आए, और कितने सुझाव आए उसके बाद? देखिए मैं बिल्कुल भी, आप क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए मैं आपसे, मेरा अनुरोध है आप क्यों प्रोटेस्ट?
कर रहे हैं, आप मेरी बात सुन लें काइंडली। आप अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुन लें। देखिए, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मेरी बात सुने आप। इस बार नाम लिखा जाएगा सर, इसको मत लिखने दो। देखिए, लिखा जाएगा जो हाउस कहेगा वो मैं लिखूंगा, जो हाउस कहेगा वो मैं लिखूंगा। स्पीकर जो चाहे वो गलत कह रहा है चाहे वो ठीक कह रहा है, आई हैव टू फॉलो द डिसीजन ऑफ द हाउस। अगर हाउस ने रिकमेंड किया है तो मैं उसको फॉलो करूंगा फॉरएवर। हाँ जी, एक मिनट, मंत्री जी बोल। स्पीकर सर, क्वेश्चन आवर के बाद, एक मिनट बैठिए जी। क्वेश्चन आवर के बाद आधे घंटे से ये मामला चल रहा है। हमारे हुड्डा साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन है, चीफ मिनिस्टर 10 साल रहे हैं। कुछ हाउस के प्रोटोकॉल हैं, नॉर्म्स हैं कि जब मिनिस्टर बोलेगा लीडर ऑफ द अपोजिशन खड़े हो जाएंगे तो मिनिस्टर बैठ जाता है, और जब लीडर ऑफ द हाउस खड़ा होगा तो लीडर ऑफ द अपोजिशन बैठ जाएगा। पहले तो हम इस मर्यादा का पालन करें। ये आधे घंटे से छुटा रहा, उसमें मैं भी गुनाहगार हूं, इसका कोई फायदा नहीं मिला। ये विधानसभा लोगों की इन्वेस्टमेंट है, पूरा देश मीडिया पे देख रहा है, स्कूल के बच्चे हैं ये देख रहे हैं, तो हमें इसे अच्छे तरीके से चलाना। जब हाउस ने डिसाइड कर दिया, पूरे हाउस ने, तो कमेटी पेश करेगी, जब हो तो उसके बाद फैसला करें। अब तो इसका कोई इश्यू नहीं है कि बार बार इस पे हंगामा करें। बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है, काइंडली आप सिर्फ सुन लें, आप जो बात है उसको सुन लें। देखिए, अगर तो आप केस प्रस्तुत करेंगी तो बिल्कुल नहीं सुनूंगा। अगर इस बारे आप में आप धमकाने लग जाते हैं। नहीं, धमकाने की बात आप नहीं है, धमकाने लग जाते हैं। आपने बहुत कुछ कह लिया, नहीं सर। जो कुछ कहना है वो सिर्फ जज साहब के सामने कहना, अध्यक्ष जज है उनके सामने कहना। अध्यक्ष महोदय, आप सुन तो लो, ये कोई बात थोड़ी ना हुई। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप मुझे। देखिए, मैं धमकाने रहा, मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ सर। आई एम रिक्वेस्टिंग यू विद फोल्डिंग हैंड्स, आप अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर। देखिए, अगर मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करती हूँ सर, मेरी बात सुन ले। मेरी बात सुनेंगे आप? मेरी सुन ले सर, मेरी बात सुन ली आप। अगर तो आपने केस के फैक्ट्स के बारे में कोई बात रखनी है, केस के फैक्ट्स के बारे में बात रखनी है, तो वो जो इंक्वायरी ऑफिसर या इंक्वायरी जज होगा उसके सामने रखना। अगर कोई जो कल डिसीजन हुआ है, जो कल डिसीजन हाउस ने किया है, उसके बारे में बात रखनी है तो जरूर रखिए। मैं बोल लूं, और मेरा रिक्वेस्ट है सर, आप मेरी बात को पूरा सुन लें। हाँ जी, जैसे ही ये मामला अभी शुरू हुआ, डिप्टी सीएम ने उठ के पहले क्या बात कही कि ये 2011 नहीं था, मैं 2012 था। फिर ये कहा ये 2005 में। सर, मैंने आपकी टेबल पे दो पेज भिजवाए हैं, काइंडली आप शांति से उनको पढ़ लें। 2005 में दिस विल, ये जो आपके फैक्ट्स हैं सर, मेरी बात सुन लें आप। हाँ, हाँ। आप क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं? किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन ये गलत एलिगेशन मेरे ऊपर मत लगाइए। अध्यक्ष जी, मैंने कहा जो फैक्ट्स हैं। अध्यक्ष जी, स्पीकर को कम बोलना चाहिए, मैं बोल रही हूं। मैं जो कह रहा हूँ सुनो ना उसको, जो फैक्ट्स हैं वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सामने रखिए सर। अध्यक्ष महोदय, आपने जो मैंने बात कही वो आपने एक्सपेंस करा दी। उसने मेरे पे जुड़ा एलिगेशन लगा दिया, आपने वो एक्सपेंस नहीं करवाया। वो क्यों नहीं एक्सपेंस करवाया सर? देखिए, कब उसने बोला मुझे सर, डिप्टी सीएम ने जो मुझ पर, अध्यक्ष महोदय मेरी तो सुन लो, अध्यक्ष जी सुन लो आप। हाँ बताइए, आप सुन लो, काइंडली सुन लो। देखिए ऐसा, अध्यक्ष जी काइंडली सुन ले, काइंडली सुन ले सर, प्लीज सुन ले। मैंने जो जीरो आर में बात कही, मैटर इज ओवर। जो भी यौन शोषण का मामला, मैटर इज ओवर। डिप्टी ने खड़े होकर ये कहा कि 2005 में डीडीआर हुई, 2011 में गीता जी के झज्जर निवास पे। सर, मेरा झज्जर निवास बना ही नहीं था, और 2011 से आज मुकर गए 2012, और 2005 में वो टीचर सरकारी नौकरी में ही नहीं था, मैंने आपको पेज दे दिए। और दूसरी बात, ये खुद जो है वहां से 2014 से खुद ही एमएलए है, खुद ही एमपी है, उनके घर के नजदीक का स्कूल है, इससे क्या लेना देना। मुझे मैटर को आप हाईकोर्ट को दें सर, हम लोग इसका वेलकम कर देंगे। लेकिन पॉइंट ऑफ रेफरेंस, द ओनली थिंग इज की जैसे ही आज ये मामला शुरू हुआ, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने खड़े होकर ये कहा कि मैं इसमें अमेंडमेंट करना चाहता हूं। आपने उनकी सुन ली सर, उन्होंने मुझ पर झूठा एलिगेशन लगाया कि मैंने प्रोटेक्ट किया। टाइम्स ऑफ इंडिया में उस सरपंच ने कहा है कि जेजेपी के लोग मेरे घर आकर दबाव बना रहे हैं, आप हां भर दें। और उसने इंटरव्यू दे दिया कि हम कभी भी गीता भुक्कल जी के रेजिडेंट नहीं गए।
तो ये आपको आप भी प्रूफ दें। मैंने सर विद सिग्नेचर आपके टेबल पर पहुंचा दिया। गीता जी मैंने पहले कहा नहीं, सर, कि सर, जो फैक्ट्स आपके पास हैं जी सर मेरी आप तो सुने सर जो भी इंक्वायरी सिटिंग जज होगा उसके पास रखिए। उसके बाद अगर वो दोषी पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अध्यक्ष महोदय हाउस इज ओवर एंड अबव द हाई कोर्ट जो भी कार्रवाई अध्यक्ष महोदय हाउस इज ओवर एंड अबव द हाई कोर्ट और उसमें लिखा है सभा में या तो प्रवेश ना किया जाए प्रवेश किया जाए तो स्पष्ट और सच बात कहें। ठीक है मैं सर सच बोल रही हूँ। आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर से बोलें उन्होंने झूठ क्यों बोला उन्होंने झूठ क्यों बोला। अब बार बार फिर हम घूम फिर के वहीं आ जाते हैं जहाँ से शुरू होते हैं वहीं फिर आ जाते हैं कि जब एक चीज इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के लिए हमने तय कर दी फिर उससे हम भागते क्या उससे क्यों दूर जा रहे हैं भागते क्यों उससे पूछ लेना नहीं उसके वो तो तैयार है आप उनसे पूछे वो इंक्वायरी कराने के लिए तैयार था अगर वो इंक्वायरी कराने के लिए तैयार ना हो तो बोलते सर इंक्वायरी तो होनी ही चाहिए। हाँ जी। और हाउस इज ओवर एंड अबव द हाई कोर्ट बाय द लेजिस्लेचर इज गिविंग अभी कहा ना द डिसीजन ऑफ द हाउस दिस इज नॉट माय डिसीजन इफ हाउस टेक्स एनी अदर डिसीजन सर हाउस कोई दूसरा डिसीजन लेता है सर उसको फॉलो करो ऑनरेबल स्पीकर अगर हाउस कोई दूसरा ऑनरेबल लीडर ऑफ ऑपोजिशन इज आल्सो ए हाउस एवरी मेंबर ऑफ द हाउस इज रिस्पेक्टेड मेंबर ऑफ द हाउस सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है डिसीजन टेकन बाय द हाउस सर मेरी जो बात है सर आप उनसे पूछ लें 2005 में वो सरकारी टीचर नहीं मैं नहीं पूछूंगा मैं ये मेरा काम नहीं है ये इंक्वायरी ऑफिसर पूछेगा जो भी हाँ सर आप कमाल कर रहे हैं सर आप इंक्वायरी करवा लें लेकिन झूठा एलिगेशन जो डिप्टी चीफ झूठ है या सच है ये पता लग जाएगा सिग्नेचर सर मैंने विद सिग्नेचर सदन के नेता के पास विद सिग्नेचर अपनी स्टेटमेंट भेज दी सर आप डिप्टी और स्पीकर सर मैंने आपके टेबल पर विद सिग्नेचर स्टेटमेंट भेज दी मैं जो इंक्वायरी ऑफिसर होगा उसके पास आपकी स्टेटमेंट भेज दूंगा मैं ये आप तो कमाल कर रहे हैं जो आपने फैक्ट्स रखे हैं वो मैं इंक्वायरी ऑफिसर के पास भेज दूंगा आई प्रॉमिस दैट अध्यक्ष महोदय मेरे को कोई इतराज नहीं है आपने कर दिया हाईकोर्ट के कर ले लेकिन इन्होंने लिख के दे दिया सदन पे ये झूठ है उससे लिख के तो ले लो क्या वो जो इसके अंदर देखिए जो इसके अंदर लिखा गया है जो प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस उसके अंदर जो इन्होंने एलिगेशन लगाए वो सब लिखे हुए हैं जो जो हाउस की प्रोसीडिंग्स हैं उसके अंदर जो कुछ लिखा हुआ है भाई इन्हें ये लिख के दे रही है वो भी लिख के दे दे नहीं वो उनकी मर्जी है उनकी एफिडेविट दोगे ना कोई तो कॉज लोगे कोई तो टर्म ऑफ रेफरेंस दोगे ये रिकॉर्ड दिस इज सफिशिएंट रिकॉर्ड ये एफिडेविट देने के लिए क्या दिस इज सफिशिएंट रिकॉर्ड फॉर द एनी इंक्वायरी जो भी प्रोसीडिंग या जो भी बात हाउस के अंदर हुई है वो बिल्कुल पूरी तरह से चोटी पकड़ा दो हाथ में उनके किनके गजोंगे हाँ जी देखिए ऐसा है हाउस डिसीजन जो करेगा मैं उसको फॉलो करूंगा you are the chief of this house if house takes you, any other decision I will also follow that you are speaker of all the MLAs मैं कहता हूँ अपनी चोटी वो इंक्वायरी ऑफिसर लेगा वो मेरा काम है हाउस किसी जज के हाथ में अपनी चोटी देना इट विल बी फुलिशनेस ऑफ दिस हाउस मैं क्या करूँ जब हाउस डिसाइड करता है तो मैं क्या कर सकता हूँ बहुत बड़े मैंने डिसीजन नहीं किया जज से बहुत बड़े डिसीजन ऑफ दी हाउस मत करो एक शर्म के लिए कमेटी बना दो आप उसके चीफ बन जाओ फैसला दे दो है क्या बात और इसको मिटाओ मुझे बत्रा जी कोई बात नहीं कल जब ये डिसीजन हुआ था आपको एसपी देखिए एक मिनट बत्रा जी एक मिनट गौतम जी प्लीज बत्रा जी कल जब ये डिसीजन हुआ था आप हाउस के अंदर थे उस समय आपने एक बार भी नहीं कहा आपने कहा कि सिटिंग जज से इंक्वायरी होनी चाहिए तो हाउस ने डिसाइड किया तो मैं क्या करूं उसमें हाँ जी जज का डिसीजन तो आपका था हमारा ना मेरा नहीं था हाउस का हमने कहा कि आप इंक्वायरी करो ना हाउस का डिसीजन था हमने उसमें कहा गया एजुकेशन डिपार्टमेंट हाउस का हमने अपोज की थी पुलिस हमने आपको अपोज नहीं किया हमने आपको कहां अपोज किया वो यूनानिमस नहीं था कि जो हमने कहा कि आप इंक्वायरी कर लो एग्जाम आई एम रेडी टू गिव सर एफिडेविट दे रही मैं आप उनको एक बार खड़ा तो करके पूछ ले इसलिए कि उन्होंने झूठ क्यों बोला नहीं अभी झूठ सच का फैसला हम नहीं कर सकते मैं नहीं कर सकता नहीं नहीं सर उन्होंने 11 का 12 करवा लिया सर मैं बता रही हूँ मेरा घर पे सर उन्होंने 11 का 12 बोल दिया हंस रहे हैं आपके पड़ोस में यौन शोषण हो गया बच्चियों के साथ आप हंस रहे हैं आपने उनको प्रोटेक्ट नहीं किया नहीं हंस रहा आपकी बात पे माननीय आज भी आप तो हंस रहे हैं सदन में अध्यक्ष अध्यक्ष
रामवीर सिंह मलौर, पूर्व विधायक श्री रामवीर सिंह, पूर्व विधायक